लगातार एफएम न्यूज पर सुबह से हम एक एक पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो लखनऊ की है, जहां पर काफिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, कानपुर अवध हॉस्पिटल, उसके बाद आलमबाग, फिर नत्था होटल, ये तमाम जो जगह है उससे गुजरता हुआ ये काफिला पहुंचेगा कांग्रेस के दफ्तर, पार्टी कार्यालय पहुंचेगा लखनऊ के नेहरू भवन में, जहां पर भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। और देखिए ये जो काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश है और ये जोश बताता है कि नयापन आ चुका है, नई ताजगी आ चुकी है कांग्रेस में। और इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार कहां तक ले जाएगा ये कांग्रेस का नया जोश। आप भी देख रहे हैं ए के मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ए के मिश्रा जी, क्या हलचल होगी अदर पार्टीज में, बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें या फिर बसपा की? नैन्सी देखिए, सुबह दूसरे पार्टी के लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, जितनी भी पार्टियां हैं, यानी बीजेपी और उसके अलायंस प्लस कांग्रेस के भी जो अलायंस है, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, एआईडीएमके वगैरह जितने भी हैं रीजनल पार्टी, सबके अंदर हलचल मची होगी। उसके पीछे एक रीजन है, गेम चेंजिंग ये इवेंट है। देखिए अगर कांग्रेस आगे निकलती है तो सपा बसपा को भी नुकसान होगा, यानी उनका महत्व खत्म होगा ना। ममता दीदी के लिए भी चैलेंज होगा, हो सकता है ममता दीदी भी या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हो। बंगाल में जो अभी वो किया उसमें एक परसेप्शन उन्होंने ये बनाने की कोशिश की कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो ममता बनर्जी दे सकती हैं। बीजेपी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बीजेपी के अंदर ये चिंतन चल रहा होगा। देखिए जिस तरह की जबरदस्त क्राउड यहाँ पे हुई है, इस तरीके की क्राउड अभी तक बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी करते थे, उनके आता था। एक खास चीज यहाँ पे ये दिख रही है कि क्राउड बड़ा एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड होने का मतलब देखिए, लोग तेजी तेजी भाग रहे हैं। एक मैदान में क्राउड जब स्टेशनरी होता है तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, और क्राउड जब इस तरीके से, देखिए क्राउड बिहेवियर की मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जब क्राउड, देखिए यहां पे क्राउड में इन्वॉल्व हर आदमी दो तीन काम एक साथ कर रहा है, वो भाग रहा है, लगातार दौड़ रहा है, उसके बाद वो नारेबाजी भी कर रहा है, मुड़ मुड़ के पीछे वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या वैन को देख भी रहा है। ये दिखाता है कि तन मन धन से क्राउड का हर एक आदमी इंटैक्ट है, उसमें इन्वॉल्व है और बड़े जोश में है। आप पीछे के विजुअल्स को देखिए, तो ये इस चीज को दिखाता है कि एक नया जोश बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस और कार्यकर्ताओं में, और जो उनके सुसुप्त वोटर, यानी जो कभी पहले कांग्रेस ही रहे होंगे लेकिन कांग्रेस एक्टिव नहीं थी तो वो भी इनएक्टिव हो गए, वो सब एक जागृत अवस्था में आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा निगाह बीजेपी की होगी, भले ही कोई बोले या ना बोले डिबेट में, लेकिन बीजेपी के लोग इसको पल पल देख रहे होंगे कि इस नई चुनौती की तोड़ क्या निकाला जाए। लेकिन क्या ये भी माने कि जो थर्ड फ्रंट सामने आया था, जो ममता बनर्जी की दीदी की जो बड़ी रैली हुई थी, इतनी बड़ी भीड़ हुई थी वहां पर, लेकिन कांग्रेस की ओर से लग रहा था कि राहुल गांधी पहुंचेंगे, पहुंचे नहीं थे, तो क्या ये समझें कि अब ममता बनर्जी भी इसको पूरी तरह से एनालाइज कर रही होंगी और वो भी समझ रही होंगी कि भाई प्रियंका गांधी तो सामने आई है, कि ऐसा ना हो मेरे लिए कोई संकट खड़ा हो जाए आगे आने वाले समय में। देखिए नैन्सी, राजनीतिक चालबाजियों को, रणनीति को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए राहुल गांधी कोलकाता में नहीं गए, उसके लिए बताया गया वो कहीं बिजी है या शायद फॉरेन में है, बाहर है, ठीक है, निमंत्रण भले गया था। मुझे लगता है कांग्रेस की ये सोची समझी पहले से रणनीति थी कि अब अपने पैरों पे वापस खड़ा होया जाए प्रियंका गांधी को लॉन्च करके, अदरवाइज जाना होता तो राहुल गांधी अपने बाहर का भी प्रोग्राम कैंसिल करके वो जाते। देखिए सॉफ्ट तरीके से बिना फ्रंट पे आए कांग्रेस जो दलबंदी हो रही है ममता बनर्जी वगैरह के साथ, उसमें वो पार्टिसिपेट करने से, एक्टिव वे में पार्टिसिपेट करने से हट रही है। हाँ, वो ना भी नहीं कर रही है, खुल के हाँ भी नहीं कर रही है, अपने आप को कंटेंट कर रही है, अपनी एक्टिविटी को मिनिमाइज कर रही है। तो इस सिम्टम से मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का ये प्री प्लान्ड था कि अब अपने सहयोगी दलों का जो है सहारा छोड़ो, अपने आप को मजबूत करो, प्रियंका गांधी को लॉन्च करते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी थोड़ा दिन और इंतजार करिए, हो सकता है सीधे सीधे कांग्रेस मना कर दे समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा को, लेकिन इसका एक इंपैक्ट और पड़ेगा। देखिए इंटरनल कॉम्पिटिशन देखिए, जैसे कांग्रेस के साथ इतने सारे दल जुड़े हुए हैं जो घटक हैं यूपीए वगैरह में, ठीक है, आपस में भी तो कॉम्पिटिशन होता है कि हम प्राइम मिनिस्टर बने, हम प्राइम मिनिस्टर बने, हमें ये डिपार्टमेंट मिले। इस कॉम्पिटिशन को भी ये बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर ले जाएंगे। ये सक्सेसफुल हो गया तो सपा बसपा या ममता बनर्जी, वो एक मैसेज उनको जाएगा कि आपसे ज्यादा बेहतर तो रोड शो हमने किया, तो आपको हम क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाए, बसरते ये सीटें भी उतनी जीत जाए।
विरोध के जो स्वर अंदर से ही उठ रहे थे इनके गठबंधन से, वो सारे स्वर भी जो है वो दब जाएंगे। देखिए मल्टी एंगुलर मैंने इसलिए बोला, इस ये जो रैली है ये मल्टीपर्पज रैली है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपके दर्शकों को, पहला ये है कि सोनिया गांधी एज के कारण जो है वो अपना पावर शिफ्ट करना चाहती है प्रियंका गांधी राहुल गांधी। दूसरा एम ये है कि कांग्रेस की डूबती हुई नैया को प्रियंका गांधी जैसा पतवार मिल जाए और निकाल दें। तीसरा ये है कि अपने जो सहयोगी दल है सपा बसपा ममता बनर्जी, उनसे जो कॉम्पिटिशन मिल रहा है वो जो कांग्रेस की स्ट्रेटजिक आर्म ट्विस्टिंग करते हैं उससे कैसे निजात पाया जाए और कांग्रेस को स्टेब्लिश किया जाए। हाँ, ये तस्वीरें सर वापस आऊंगी, तस्वीरें जो है इसको भी बयां करते हैं। देखिए कार्यकर्ता कैसे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में प्रियंका गांधी की बड़ी सी फोटो है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि भाई काफिला आगे बढ़ रहा है और समझ जाइए कि अब इसको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये क्वेश्चन आपका क्राउड बिहेवियर का है। देखिए क्राउड कई तरीके के होते हैं, मान लीजिए लाखों आदमी आ गए वो चुपचाप खड़े हैं, ना जिंदाबाद ना मुर्दाबाद। एक तो क्राउड बिहेवियर ये हो गया, नेचर ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि एक मैदान में वही लाखों आदमी खड़े हैं लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, ठीक है, मतलब दे आर मोर इन्वॉल्व। तीसरा उससे भी बेटर ये होता है कि ऑल 360 डिग्री पे एक्टिव रहना, मतलब नारे भी लगना, वेलकम भी करना, भागते भी रहना, विरोधियों को भी पस्त करते रहना या उनके अगेंस्ट नारे लगाना। क्राउड में इन्वॉल्व हर एक आदमी जितने तरीके के काम कर सकता है वो सारे काम यहाँ पे कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि ये क्राउड का 360 डिग्री इन्वॉल्वमेंट है किसी पॉलिटिकल रैली में। होने को तो ये भी हो सकता है क्राउड आके बस खड़ी हो जाए कुछ ना बोले, या जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। तो ये दिखाता है कि आदमी मेंटली और फिजिकली कितना इन्वॉल्व है जो क्राउड में लोग आए हुए हैं, और ये हाई डिग्री की इन्वॉल्वमेंट है। इससे पता ये चलता है कि ये मैनेज्ड क्राउड नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त क्राउड है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये रैली एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, और माथे पे चिंतन नहीं बल्कि चिंता की लकीरें किसके, विपक्ष यानी बीजेपी यूपीए और एनडीए में भी, दोनों जगह इनके कांग्रेस प्लस में जितने सहयोगी दल है उनके लिए भी ये चिंता का वो है कि भाई अब तो कांग्रेस हमारी बात नहीं मानेगी, कांग्रेस लीड करेगी, ठीक है। फाइट तो सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं हम आगे बढ़े। कौन सपा बसपा वाले चाहेंगे क्या कि कांग्रेस आगे बढ़े, या कांग्रेस कभी चाहेगी कि सपा बसपा या ममता बनर्जी? ये होता है इंटरनल कॉम्पिटिशन, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल और लेटेंट तीनों तरीके के कॉम्पिटिशन को मैनेज करने का या साधने का जो है प्रयास इन्होंने किया है, जो मुझे लगभग लगभग सफल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें तो क्या लगता है, क्योंकि रुख जो है बीजेपी से क्या नाराज, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के कुछ घटक दल जो नाराज हैं वो कांग्रेस का दामन थाम ले, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैं आपको बताऊं, अगर शिवसेना की मैं बात करूं तो शिवसेना का मुझे उम्मीद कम लगता है। मैंने पहले भी बोला था जब शिवसेना ने विरोध किया था, ठीक है, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में खुल के शिवसेना ने सपोर्ट किया बीजेपी का, तो शिवसेना बड़ी मुश्किल से बीजेपी से अलग होगी, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, एक ही प्रिंसिपल पे है, तो प्रिंसिपल बेस्ड ये दोनों पार्टियां सेम है, दिखाने को भले ही वो लड़ते रहे। अंदरूनी कला तो है जो कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान दे जाए बीजेपी को? नहीं नहीं, नुकसान अंदरूनी कला से, देखिए बीजेपी में अंदरूनी कला का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सीटों के बंटवारे को लेकर तो है ना, हमारा भी वर्चस्व होना चाहिए, कर लिया ना साथ 48 कितने सीटों पे आधे आधे का तो उन्होंने कर लिया शिवसेना के साथ बंटवारा। इसके अलावा अदर पार्टी की बात की जाए तो क्या लगता है, अपना दल की बात करें अदर पार्टी की बात करें तो वो लग रहा है कि जो एनडीए का गठबंधन है, जो लगता है कि जनतांत्रिक जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये एक साथ रहने वाला है, जितनी भी पार्टीज हैं एक साथ रहने वाली हैं। मैं ये इस चीज को मानता हूं कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद पार्टियों का परसेप्शन अगर ये बनता है कांग्रेस आगे जा रही है ना, तो देखिए जो जीतता तर रहता है उसके साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो छोटे छोटे दल है अपना दल वगैरह, ये मौका परस्त है, सपा बसपा वगैरह टीडीपी वगैरह जितने उधर हैं आप देखिए तेलंगाना वगैरह के, या आप साउथ के किसी पार्टी का, जो जीत रहा है उसके साथ वो हो जाएंगे अगर वो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। हालांकि बीजेपी की अपनी लिमिटेशंस है, अपने क्राइटेरिया है, तो वो सबको अपने तरफ नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस जीत रही है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे, आप ये देखिए साउथ के बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने ये बोल दिया है कि हाँ भाई या बड़े जल्दी बोल देंगे कि हम कांग्रेस के साथ आएंगे। वो तो देखिए अपना हित साधने के लिए 2 मिनट के भीतर सब लोग सहमत हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी राजनीतिक पार्टियों की खूबी है जो मैंने देखा है। चलिए ठीक है, अगर मैं प्रियंका गांधी के लिए समझूं तो कितनी बड़ी चुनौतियां अभी आगे रहने वाली हैं, क्योंकि शो मात्र से कुछ नहीं होना, अभी जमीनी हकीकत को तराशना होगा। देखिए जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से होता है नैन्सी। एक होता है इंडिविजुअल प्रियंका गांधी कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि वो बहुत अच्छा कर सकती है, ठीक है। लेकिन
उनकी टीम का मतलब ग्राउंड लेवल पे जो आदमी है, जो पदाधिकारी है, जो कांग्रेस में और है, उनका भी अपना अपना रोल होता है। इलेक्शन जीतना जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड जो है टास्क होता है, केवल एक आदमी के कर देने से नहीं हो पाता है। एक एक आदमी को जो है वहां पे परफॉर्म करना होता है, अपने लेवल पे बेस्ट करना होता है। यानी अगर कोई भाषण दे रहा है तो अच्छे तरीके से भाषण देना है, टीवी पे डिबेट है तो आपके प्रवक्ता को अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखना होता है, ग्राउंड लेवल पे काम होता है, वोटरों को वोटिंग के दिन निकालना होता है, मल्टीटास्किंग का काम होता है और इंटीग्रेटेड होता है। हर काम अगर अच्छा होगा तभी रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, नहीं तो रिजल्ट उतने एक्सपेक्टेड नहीं आते हैं, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्रियंका गांधी या मोदी जी बहुत कैरिज्मेटिक हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी टीम भी उतनी कैरिज्मेटिक या पावरफुल या एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी नहीं रही तो रिजल्ट देखिए, इसका एग्जाम्पल है आप ये देखिए राजस्थान वगैरह में। अगर मैं सवाल करूं तमाम पार्टियों को लेकर जो सरकार सत्ता में होती है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं कि भाई देखिए लीडर तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो वहां सवाल खड़े हो जाते हैं। किसानों के लाभ की बात की जाती है, सरकार की ओर से धन दे दिया गया, आवंटन किया गया, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा तो किसान तो नाराज है ना कि भाई आप तो जिक्र कर रहे हैं लेकिन हमारे पास तो उतना पैसा आया ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो पहले भी कई बार चेक दिए गए और चेक में क्या मिला, मात्र 50 रुपए, मात्र 10 रुपए, 100 रुपए, मजाक हुआ उनके साथ। तो ये कितना बड़ा चुनौती है एक सरकार की। देखिए ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ है। ये बड़ा सिंपल सा चीज है, अगर आप रथ पे सवार हो तो घोड़ा घोड़े पे सवारी तो वही करता है जो पे है। हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी से राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एफएम न्यूज पर स्वागत है सर आपका, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्या कहेंगे, मेगा शो चल रहा है प्रियंका गांधी का। देखिए आज के शो से स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी की भूमिका निकट भविष्य में किस प्रकार की होने वाली है। ये राहुल गांधी जी के लिए आत्मघाती जैसा कदम होगा। अब कांग्रेस पार्टी में प्रियंका राज आ गया है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और अगर इसको राहुल गांधी जी के एक बहुत समझदारी भरे निर्णय के रूप में देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने 2019 की असफलता के बाद लोगों के बीच में, कांग्रेसियों के बीच में ये बात बहुत तेजी से उभर कर आती कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, राहुल हटाओ, तो उस नारे से उन्होंने कहीं ना कहीं बचाव करने का भी एक किया है। एक नारा और दे दिया है कि मोदी हटाओ, एक नारा और दे दिया है मोदी हटाओ। वो इनके बस की बात नहीं है, वो कांग्रेस के बस की बात नहीं है, कांग्रेस वो कर नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार की मेजोरिटी से ज्यादा मेजोरिटी लेकर के आने वाली है और इसी उत्तर प्रदेश में पूरा लखनऊ ने कांग्रेस को पूरा लखनऊ सर पोस्टर से पटा हुआ है पूरा लखनऊ। तमाम जो कार्यकर्ता है वहां पर एकजुट है, जोश दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है कि नयापन आ गया है कांग्रेस में। क्या कहेंगे सर? नहीं ये बात बिल्कुल सही है, जितने पोस्टर उन्होंने लगाए हैं उतने व्यक्ति उनके पास नहीं है। पोस्टरों की संख्या ज्यादा है, व्यक्तियों की संख्या कम है उसकी तुलना में। भीड़ तो दिख रही है कांग्रेस में, वैसे भीड़ तो बयां कर रही है कार्यकर्ताओं में जोश है, भीड़ में दिखाई दे रही है और मोदी के विरोधी नारेबाजी की जा रही है। जो प्रियंका गांधी है उनकी बॉडी लैंग्वेज आप भी देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है तस्वीरों में सब कुछ आप भी देख रहे होंगे। आप इस बात का आकलन समाजवादी पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं करवा रहे? समाजवादी पार्टी नहीं, हम उनसे भी सवाल कर रहे हैं, हमारा हक है सवाल करने का, सवाल करेंगे बताएं। नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी 2 सीटों तक ही उनको सीमित करके मान रही थी। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल उनको गंभीरता से लेने को लिए तैयार नहीं है। तो आप गंभीर ले रहे हैं सर इसको या नहीं? आप गंभीर ले रहे हैं सर? नहीं बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले भी वो मावेठी और रायबरेली में प्रचार कर चुकी है और जनता ने उनको रिस्पॉन्स करके दिखाया है। आप इंतजार करिए, प्रियंका गांधी जैसा जो एक जिसको एक बड़ा बबल्स मान रहे हैं वो बहुत जल्दी फूटता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। सर आपको नहीं लगता कि इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, एक सीरियस मुद्दा है। यहाँ पर देखिए एक मेगा शो चल रहा है, 12 किलोमीटर तक की एक लंबी यात्रा की जा रही है, अमौसी एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक तमाम कार्यकर्ता एक साथ। कहीं ना कहीं एक जो जनता है उसके दिमाग में एक मैसेज डालने की कोशिश जो की जा रही है उसमें तो सफल होती दिखाई दे रही ना कांग्रेस, क्या कहेंगे? वो जितना वो जनता प्रियंका वाड्रा को लेकर के आगे आएंगे, राहुल वाड्रा उससे आगे आगे, रॉबर्ट वाड्रा उससे आगे आगे उसके आगे चलेंगे और रॉबर्ट वाड्रा के ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब प्रियंका जी के पास नहीं है। लेकिन लगता नहीं है कि युवा जिस जोश की बात करते हैं वो युवा जोश, वो युवा वोट जो है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के आने से छिटकता हुआ नजर आएगा।
नहीं नहीं प्रियंका जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, आप निश्चिंत रहिए, जब परिणाम आएगा तो परिणामों से सब पता चल जाएगा। सीरियसली सीरियसली आप नहीं ले रहे सर, सीरियसली आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन देखिए जनता जो है वो तो बात बताएगी। हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, जनता भी नहीं ले रही है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ, देखिए मिश्रा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक टीम पूरी टीवी पे आंख गड़ा के बैठी है, कोशिश कर रही है गिनने की कि कितने आदमी हैं, ये कैसे हो गया? आप बोल रहे हैं गिन लेंगे, हम उंगली पर गिन लेंगे कितने आदमी हैं, उंगली पर गिन लेंगे हमें, हम उंगली पर गिन लेंगे कितने आदमी हैं, कितने आदमी उनके हैं कि हम उंगली पर गिन सकते हैं। चलिए ये बता दीजिए सर, सर ये बता दीजिए पूर्वांचल, सर एक मिनट ये बता दीजिए पूर्वांचल जिसको लेकर आप ये मानते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि मास्टर स्ट्रोक चल दिया है भाई हमने। तो देखिए ऐसा है, पिछली बार गांधी परिवार से 2 सीटें ये लोग लड़े थे और 2 सीटें जीत पाए थे, इस बार उन्होंने तय किया हम गांधी परिवार से 3 सीटें लड़ेंगे और 3 सीटें जीत लेंगे। मैं निवेदन करके कह रहा हूँ ये रॉबर्ट वाड्रा को 34 सीट पर लड़ा ले और 4 सीटें लड़ ले इस बार और 4 सीटें जीतने का टारगेट ले ले। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि पूर्वांचल की बात की जाए तो वाराणसी से पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, गोरखपुर जो है सीएम योगी का गढ़ है, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मांग रहे हैं अगर प्रियंका गांधी वहां पर आती हैं चुनाव लड़ती हैं तो? नहीं नहीं हम तो चुनौती देकर कह रहे हैं, वो हमें चुनाव लड़े, वो जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, जनता हिसाब किताब बराबर। राजस्थान की चुनौती के बारे में बता दीजिए जहां उंगली पे आपने गिना था, आपके सारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारी सरकार आ रही है, क्या हुआ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सर, आपको गिनती नहीं आती थी उस वक्त? हमने हमने देखा है, हमने परिणाम देखा है कि 15 साल की सरकार के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से कम वोट पाकर मैं यही पूछता हूँ आपसे कि 15 साल के बाद आप हार कैसे गए? परिणाम अभी सब कुछ तस्वीर साफ कर देगा। तो आप इसको किस तरह से ले रहे हैं, बीजेपी की पार्टी जो है किस तरह से अब मंथन करने वाली है बता पाएंगे सर? भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ पहले से संवाद कर रही है और कोई भी राजनीतिक विश्लेषक राजनीति को देखने वाला समझने वाला इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले लोग अपने बूथों पर एक्सरसाइज करते हैं और अंतिम 15 दिनों में 10 दिनों में रोड शो करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक किसी भी बूथ पर कहीं भी बैठक करते हुए अगर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके नेता की कोई तस्वीर आपने जारी की हो तो मुझे जरूर बताइए। विधानसभाओं के पास इनके पास 2014 में मोदी जी ने रोड शो ही रोड शो किए थे पहले दिन से, सर सवाल दागे जा रहे हैं, सिर्फ मेरे ही सवाल नहीं है, सवाल जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ है वो भी सवाल दाग रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिए सर, अब छोड़ दीजिए आप केवल पलायन कर रहे हैं सर। एक मिश्रा जी सिर्फ सर मेरे ही सवाल नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं एके मिश्रा जी, वो भी आपसे सवाल दाग रहे हैं सर, उसका भी जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं एके मिश्रा जी, मैं उनका सवाल सुन रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं कि रोड शो जो है लास्ट में होता है, 2014 में मोदी जी ने कितने रोड शो किए थे सर शुरू से लेके अंत तक? कोई ऐसी रोड शो की टाइमिंग तो होती नहीं है कि केवल 15 दिन पहले रोड शो करेंगे। रोड शो हमेशा चुनाव। आडवाणी ने रथ यात्रा क्यों निकाली थी सर पूरे देश का, आप मुझे बताएंगे? वो रोड शो था कि बूथ लेवल का काम था? बोलने भी दीजिए सर, रथ यात्रा किसी विषय वो रोड शो नहीं था, नहीं वो रोड शो नहीं था, रोड शो नहीं था, परिवर्तन रैली आपने निकालते हैं, सारी पार्टियां पूरे देश में रथ यात्रा निकाली जा रही है, रथ यात्रा निकाली जा रही है। आडवाणी क्यों आप आपकी मनस्थिति पर आडवाणी करना भी सीखिए, रोड शो से हो गई है तो आप आगे कैसे चुनौती का सामना करेंगे सर? सर उनको सुन भी लेते ना, आप सवाल दागे जा रहे हैं, अगर उनका जवाब नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा? जवाब है ही नहीं जी राकेश जी। नहीं रोड शो और रथ यात्रा में अंतर करना सीखिए पहले। रोड शो क्या होता है, रथ यात्रा क्या होती है? केवल कैमोफ्लॉज है। रथ यात्रा क्यों निकाला था सर? रथ यात्रा सेवा करने के लिए लगा निकाली थी कि लड्डू बांटने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ही तो निकाला था, वोटर का ध्रुवीकरण करने के लिए निकाला था ना रथ यात्रा? राकेश जी जवाब है आपके पास, राकेश जी जवाब है आपके पास, एके मिश्रा जी मैं आपके सवालों का जवाब भी ले लेती हूँ, राकेश जी जवाब है आपके पास? अरे भाई मेरे पास हर सवाल का जवाब है, आप सवाल पूछिए और जवाब सुनिए। दीजिए जवाब दीजिए, चाहते हैं जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। आप आरोप लगाना चाहते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह, तो आरोपों का जवाब फिर आरोप प्रत्यारोप में होता है। लेकिन सर एके मिश्रा जी एक मिनट प्लीज आप चुप रहिए, एके मिश्रा राकेश जी यहाँ पे हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जो है सुरेंद्र राजपूत जी हैं वो भी जुड़ चुके हैं, एफएम न्यूज पर स्वागत है सर, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। ये बड़ा शो निकाला जा रहा है, बीजेपी तो इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही, कह रहे कितना भी मेगा शो निकालना निकाल लीजिए कुछ नहीं होने वाला। देखिए नैन्सी, हेलो जी, हाँ देखिए नैन्सी, भारतीय जनता पार्टी को जो कहना है वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मैं उनका कोई टिप्पणी नहीं कर रही,
जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ में है, जनता की नीतियों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, बेरोजगारी पर विजय प्राप्त करने के लिए, किसानों की समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हम बात कर रहे हैं। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी आज लखनऊ में आई है तो कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है सर, एक सवाल का और जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए सर। प्रियंका गांधी को इतना ज्यादा जो है हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी अब पीछे जाते हुए दिखाई देंगे? ये आपका अपना मानना हो? नहीं सर, मेरा अपना नहीं मानना है, मेरा कोई व्यक्तित्व यहाँ पर व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है। पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है वो बता रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उससे साफ दिख रहा है कि आने वाले भविष्य में प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। ये नैन्सी, आप, मैंने कहा ना आपका मतलब पॉलिटिकल जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए आप ही पॉलिटिकल जर्नलिस्टों को प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये उनका मानना है, आप लोगों की अपनी मीमांसा है, उसका हम धनात्मक ऊर्जा से स्वागत करते हैं। लेकिन श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और प्रियंका गांधी जी हमारी महासचिव है जिन्हें पूर्व उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिया गया है। पानी में आप कितनी, लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी सर, क्या जरूरत आन पड़ी यहाँ पर कि प्रियंका गांधी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई और यहाँ पर इतना बड़ा मेगा शो निकालना पड़ा है? और क्या समझ रहे हैं, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी महसूस किया गया? या तो आप सुनना नहीं चाहती, अगर कोई सर, सवाल मैं आपको ही तो सुन रही हूँ, लेकिन सवाल भी तो करूंगी ना सर। नहीं, मैं सुन रही हूँ, आपको ही सुन रही हूँ। हाँ बताएं, आप पूरा जवाब नहीं लेती हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, मैं वेट करती हूँ। आप जवाब दीजिए सर, आप जवाब दीजिए, राजपूत का जवाब पूरा न लिया जाए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। जवाब नहीं लेना चाहती तो मुझे फोनों पे मत बुलाया कीजिए। अब आप जवाब देंगे सर, मैं सवाल कर चुकी हूँ, अब आप जवाब दें। नहीं, आप सवाल कीजिए तो उसके बाद कृपा करके चुपचाप रहिए। नहीं, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे आप नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है, आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी को जो प्रोजेक्ट किया गया इससे ही समझ लें कि राहुल गांधी का नेतृत्व जो है कम हुआ? फिलहाल पहले आप अपने कृत्य को देखिए कि आप किसी आदमी को सवाल का जवाब देने नहीं दे रही है। सर, मैं आपको ही सुन रही हूँ, सर मैं आपको ही सुन रही हूँ। ठीक है, आपकी और मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं सर, आप समझिए, मैं आपको ही सुन रही हूँ, मैं आपको ही सुन रही हूँ। अब आप बताएंगे सर, अब आप जवाब देंगे सर, मैं आपको तो सुन रही हूँ आपके ऊपर कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं, तो क्या आपको इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं सर? मैं लगातार ये भी दिखा रही हूँ सर। नहीं, आप ये कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल अपने शब्दों को वापस लीजिए, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते ये। मैं एक पत्रकार हूँ, बिल्कुल अपने शब्दों को वापस लीजिए। मैं एक पत्रकार हूँ और सिर्फ पत्रकारिता का काम करती हूँ। नहीं, आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा, ये जवाब दीजिए, नेतृत्व में सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के को लेकर या नहीं? आप मुझ पर आरोप मत लगाइए प्लीज। आप अब चुप रहकर के जवाब सुनिएगा, बताएं। निश्चित तौर पर श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में श्रीमती प्रियंका गांधी जी को महासचिव के पद पर पदारूढ़ किया गया है और उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी गई है, नंबर एक। नंबर दो, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के बीच में जो लोग भी ये निर्मम मीमांसाएं कर रहे हैं उनकी भी हम धनात्मक ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं। पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है और हमारी पार्टी में हम किसको क्या जिम्मेवारी दे रहे हैं इसका विशेषाधिकार कांग्रेस पार्टी को है, इसका विशेषाधिकार ना तो किसी पत्रकार को है, ना भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्टी के अंदरूनी बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से चुनौती समझ रहे हैं बाबा आगे, क्योंकि आपको सपा और बसपा ने तो गठबंधन में शामिल किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मित्र हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न उठाते हैं कि सपा बसपा ने नहीं किया, तो हमने कोई एप्लीकेशन उन्हें नहीं दी थी, हम चाहते थे गठबंधन में हो और हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे जिस प्रकार से जल सैलाब दिख रहे हैं। मिश्रा जी, अगर पत्रकार सवाल करे तो उनके ऊपर ही सवाल खड़े हो जाते हैं, सारे उनकी है। मैं भी बीजेपी, क्या कौन से सवाल खड़े हो जाते हैं? इनके फेवर में बोलिए तो सही है, इनके अगेंस्ट में बोलिए तो आपको प्रवक्ता बना देते हैं। नहीं, राजपूत साहब आपने सही बोला है, देखिए मैं, आप कई बार मेरे से मिल चुके हैं, सवाल पहला बड़ा सीधा था। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि धीरे से कहीं चुपके से जो है प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को जो चीज करना था वो सारा क्रेज जो है प्रियंका गांधी ले गई, सारा शोहरत सब कुछ जो है वो ले गई? ऐसा महसूस नहीं जा रहा है क्या कि जो राहुल गांधी नहीं कर पाए वो प्रियंका गांधी कर रही है? ठीक है, अब जवाब लेते हैं। ये कौन सज्जन बोल रहे हैं, मुझे जरा मुझे राकेश मिश्रा जी, माफ कीजिए, एके मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर। अब मुझे तो समझ में नहीं, हाँ एके मिश्रा जी से मैं कई बार मिला हूँ, कभी कभी ये लोग मेरे को व्यापारी विशेषज्ञ के रूप में मिलते हैं, कभी कभी सर मल्टीडिसिप्लिनरी, केवल नेताओं के पास ये सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं है कि वही हर काम कर सकते हैं। ठीक है सर, आंसर सर, ठीक है, डायरेक्ट आंसर दीजिए, मिश्रा जी जवाब लीजिए, आरोप मत लगाइए ना। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर दीजिए सर।
आप आ रहे हैं, आंसर दीजिए सर। आप बुरा मत मानिए, मैंने तो आपको आपको खाली आप नहीं सर, बुरा नहीं, सम्मान है आपका, बोलिए बोलिए सर बोलिए। आप अब आप सीधी सीधी सी एक बात समझिए कि हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलों में किसी भी व्यक्ति का बाहरी आदमी की इजाजत नहीं है कि वो टीका टिप्पणी करे अपनी जगह पर। तो डेमोक्रेसी कहाँ गई सर? सर एक मिनट, मैं सवाल कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी हम तीन राज्यों में बड़े मार्जिन से चुनाव जीत करके आपके सामने आए, तो कैसे आप कह सकते हैं कि उनका नेतृत्व खराब? आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी राजनीति में आई है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनकर के आई है, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आई है। आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आपकी समझ का इलाज करना होगा ना, आप अपनी समझ का इलाज कराइए, हमें आप इस मामले में कोई मशवरा ना दे। आप सवालों से जब बच रहे हैं, लेकिन शुक्रिया आपका सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, वक्त ब्रेक का है, वक्त ब्रेक का है सर। आप बड़े परेशान हो गए मिश्रा जी। सुरेंद्र राजपूत जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं।